उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाफराबाद इलाके के चौहान बांगर में 25 साल के युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। उसकी पहचान 25 वर्षीय रिजवान के तौर पर हुई है। वह चौहान बांगर के गली नंबर 5 का रहने वाला था। चश्मदीद मोहम्मद आदिल ने बताया है कि रिजवान गली नंबर 5 के रहने वाला था। घर के पास ही गली नंबर 5 में दो लड़कों ने पहले रिजवान को सलाम किया और उसके बाद उसके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। आदिल ने कहा है कि वह लोग रिजवान को शास्त्री पार्क के जग प्रवेश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा, क्या काम करते हैं रिजवान भाई? अच्छा, आपने क्या लगता है रिजवान? अच्छा, बता रहे हैं कि 2017 में रिजवान के बड़े भाई की भी हत्या हुई थी। अच्छा, तो आज क्या जानकारी मिली? आप अस्पताल क्यों पहुंच रहे? क्या जानकारी मिली? फोन आया ना हमारे पास। अच्छा, कि भाई इस तरह से जो हो गया, तो ये सुन के इनकमिंग कॉल फ्रॉम पी केशरी हारी जी आइडेंटिफाइड बाय ट्रू कॉलर। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद आदिल नाम है। मोहम्मद आदिल भाई, कौन भाई थे ये? हुआ क्या इनके साथ? ये वही रहते हैं पंगली नंबर 5 में, रिजवान नाम है इनका। तो दो लड़के आए थे, उन्होंने इनके गोली मारी सर में, सलाम वगैरह करके वो चले गए, अपने भाग गए। तो वहाँ पे हम दो लोग थे मौजूद, वो हम लेके इन्हें गाड़ी पे जल्दी से हॉस्पिटल आए। मतलब मना कर रहे हैं डॉक्टर, तो गोली कहाँ लगी है? गोली तो सर में लगी है। कितनी गोली लगी? एक ही गोली मारी है। अच्छा, तो कितने लोग थे? कुछ पता है? वो दो लोग थे। बाइक पे? नहीं, पैदल थे। कोई रंजिश हो इनकी भाई की? ये नहीं जानता भाई साहब जी। आप लोग हॉस्पिटल लेके? हाँ। नमस्कार, मैं रेडीमेड गारमेंट फ्लोर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन टैंक रोड कुरनबाग होलसेल मार्केट प्रधान होने के नाते आप सभी को, अपने व्यापारी भाइयों को, अपने मार्केट के सभी दुकानदारों को, यहाँ के निवासियों को, कर्मचारियों को और मार्केट में कार्यरत सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आप परिवार के साथ इस राष्ट्र पर्व को बहुत हंसी खुशी के साथ एंजॉय करें और साथ में अपने देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखें कि कोई भी आतंकवादी या अलगाववादी या कोई शरारती तत्व हमारे यहाँ कोई ऐसी हरकत ना कर सके कि जिससे हमारे देश को या हमारे व्यापार को या हमारे परिवार को कोई नुकसान ना हो। आप एक प्रहरी की तरह अपने देश के लिए खड़े रहें। आप सभी को पुनः एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।